जमानत के मामले में इमरान खान और उनकी पार्टी के बड़े नेताओं फवाद चौधरी और असद उमर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। निसार दुर्रानी की अध्यक्षता वाली चुनाव आयोग की 4 सदस्यीय पीठ ने यह वारंट जारी किया है। इसके साथ ही इस मामले की सुनवाई 17 जनवरी तक के लिए स्थगित भी कर दी गई है। इमरान खान और उनकी पार्टी के नेताओं पर आयोग के बारे में अपमानजनक टिप्पणी का आरोप लगा है, जिसके खिलाफ चुनाव आयोग ने पिछले साल पीटीआई के बड़े नेताओं को मानहानि का नोटिस जारी किया था। उधर अपने पड़ोसी अजरबैजान को आंखें दिखाने वाले ईरान ने धमकी के बाद अब दोस्ती का कार्ड खेला है। अजरबैजान में ईरान के राजदूत ने एक इंटरव्यू में बताया कि ईरान ने दोस्त होने के नाते अजरबैजान को इजराइल के खिलाफ आगाह किया है। मतलब अजरबैजान से भिड़ने की बात करने वाले, उसे धमकाने वाले ईरान ने एकदम यू टर्न ही ले लिया। ईरान और अजरबैजान पड़ोसी हैं और ईरान के दुश्मन इजराइल से अजरबैजान के अच्छे रिश्ते हैं। इतने अच्छे कि इजराइल अजरबैजान के बड़े हथियार सप्लायरों में एक है। वहीं इजराइल में ज्यादातर तेल अजरबैजान से आता है। ईरान तो ये आरोप तक लगाता है कि अजरबैजान में इजराइल की सेना भी तैनात है। इसी वजह से ईरान के राजदूत ने कहा कि अगर अजरबैजान के इजराइल के साथ आर्थिक रिश्ते जारी रहे और अजरबैजान पर इजराइल का प्रभाव बना रहा तो उसे बहुत खतरनाक अंजाम भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि पश्चिम एशिया के इस इलाके में ईरान और इजराइल एक दूसरे के कट्टर दुश्मन तो हैं ही, वो बहुत बड़ी ताकतें भी हैं। और इजराइल की ताकत का दम तो पूरी दुनिया भरती है। उसके पास कई जंग जीतने का तजुर्बा भी है और आयरन डोम से लेकर हाईटेक ड्रोन और लेजर जैसे नए जमाने के हथियारों का जखीरा भी है। इजराइल परमाणु हथियारों का भी मालिक है। यही वजह है कि इजराइल ईरान के लिए बहुत बड़ा खतरा है और अगर वो ईरान के पड़ोस में पैर पसारेगा तो ईरान को परेशानी होगी ही। इसलिए ईरान ने इजराइल को भी धमकी दी कि अगर वो ईरान के पड़ोस में धमकेगा तो उसे पछताना पड़ेगा। ईरान ने अजरबैजान से भी यही कहा कि जिस यहूदी देश ने फिलिस्तीन में मुसलमानों का हक मारा हो, वो कभी भी मुस्लिम देशों का दोस्त नहीं हो सकता। लेकिन ये बात कहते हुए ईरान ये भूल गया कि धर्म के लिहाज से तो उसे अजरबैजान के साथ खड़ा होना चाहिए। ईरान की तरह अजरबैजान भी शिया मुस्लिम देश है, लेकिन इसके बावजूद ईरान की अजरबैजान के दुश्मन आर्मेनिया से दोस्ती है, जबकि आर्मेनिया एक ईसाई देश है। मगर फिर भी नागोर्नो करबाख की लड़ाई में ईरान आर्मेनिया के साथ खड़ा है और अजरबैजान को धमकाता रहता है। लेकिन जब धमकियों से बात नहीं बनी तो अब ईरान अजरबैजान को अपना दोस्त बता रहा है। अब बात जोशी मठ की, जहां पर 700 से ज्यादा मकान खतरनाक हालात में पहुंच चुके हैं। देवभूमि के चार धामों का द्वार कहे जाने वाले इस शहर का मंजर लोगों के लिए दहशत की वजह बना हुआ है, क्योंकि यहां 700 से ज्यादा मकानों पर खतरा मंडरा रहा है। कई मकानों को खाली कराया जा चुका है। जिन मकानों को खाली कराया गया है उनकी हालत काफी डरावनी बताई गई है। छावनी बाजार में सबसे पहले मैं आपको वो सबसे ऊपर की बिल्डिंग दिखाऊंगी। वो बिल्डिंग इतनी जर्जर है कि अगर वहां पर पैर रखा जाए तो शायद वो बिल्डिंग जो है वो धड़धड़ा कर नीचे गिर जाए। अब उसके बाद की नीचे की बिल्डिंग में आइए, उसमें इतनी मोटी मोटी दरारें हैं कि दीवार का आगे का हिस्सा जो है वो निकल गया, केवल ईंट ईंट रह गई है। क्योंकि उसके नीचे भी अगर आप देखेंगे, जहां पर आपको एक लकड़ी का दरवाजा दिख रहा है, उसकी साइड में ऊपर की तरफ जो दरारें हैं वो कितनी गहरी हो गई कि साइड की दीवार तो है ही नहीं। खैर, ऊपर आप देखते हैं तो आपको अंदाजा होगा कि कितनी गहरी दरारें जो है वो पड़ गई हैं। अगर ये मकान गिरा तो इसके नीचे वहां मौजूद इस घर का वजूद मिटना तय है, लेकिन यहाँ रहने वाले लोग अपने आशियाने को खाली करने को तैयार नहीं है। जो है परमेश्वर में भरोसा है, रखेगा तो वही, डालेगा तो वही। दो चार दिन की व्यवस्था हमारा कोई पूरा नहीं कर पाएगी। अगर हमें व्यवस्था देनी है तो हमेशा के लिए दीजिए, ऐसी हमारी मांग है, ऐसे हम चाहते हैं। अपना घर छोड़ना, कोई इतनी आसान से अपने घर कोई नहीं छोड़ता है। भरोसा भगवान पर है, शिकायतों के साथ उम्मीदें सरकार से है।